मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संगीतकार के मामले में एनआईए ने अब शिवसेना के नेता प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। देश में पेट्रोल के पार डीजल भी 100 रुपए के पार चला गया है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लॉकडाउन से कम हुई कमाई के बीच तेल की महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG को लेकर हुए एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि यह कोरोना वायरस से सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। मुंबई के मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक महिला असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के साथ प्रतीक रूप से बलात्कार करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 1 जुलाई से साउथ कोरिया में 2 हफ्तों के लिए जरूरी क्वारंटाइन नियम खत्म हो जाएगा। यहां सरकार ने साफ किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले साउथ कोरिया में बेहिचक कहीं भी आ जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मलाइका उन्हें कैमरे के सामने से हटाने के लिए धक्का दे देती है। इस वीडियो में मलाइका के साथ उनकी बहन अमृता अरोड़ा भी दिख रही है। दोनों पेपराजी के सामने पोज देती दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक से सिद्धार्थ आकर मलाइका के सामने खड़े हो जाते हैं। यह देख मलाइका चुंझला जाती है और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को धक्का देकर वहां से हटा देती है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहाड़ू में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज 15-20 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ है। यूनियन कैबिनेट द्वारा 5 मेगाहर्ट स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट की घोषणा करने और रेलवे को 700 मेगाहर्ट का प्रीमियम बैंड दिए जाने की अनुमति के बाद मुंबईकरों को भी एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राम मंदिर भूमि खरीद में घोटाले के आरोपों को लेकर शिवसेना भाजपा आमने सामने है। कल सामना में संजय रावत ने राम मंदिर में जमीन खरीदे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद योगी सरकार से सबूत मांगे थे, जिसके बाद भाजपा तिलमिला गई और भाजपा के युवा मोर्चा ने शिवसेना के गढ़ कहे जाने वाले शिवसेना भवन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पेयर परेशान, कोरोना काल में काम धंधे ठप। जलगांव में तो महानगर पालिका के खिलाफ व्यापारियों ने कपड़े उतार कर आंदोलन शुरू कर दिया है।